हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं और गर्मियों का कलेक्शन देखने के लिए मैं आ गई हूँ सरोजनी नगर मार्केट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलूंगी, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिए तुरंत ऑन। चलिए करते हैं मार्केट में एंटर और करते हैं एक्सप्लोर। अब ना यहाँ पे एंट्री के लिए गेट जो बदल गया था, जो कि मेट्रो के सामने से एंट्री होती थी, वो एंट्री ना होके आईसीआईसी वाला जो एटीएम है ना, उस साइड से एंट्री होने लगी है। कहते हैं चलिए अब देखते हैं अभी हमें क्या कलेक्शन देखने के लिए मार्केट में मिलता है। मार्केट में एंटर करते ही मुझे दिखे ये कैप्स। धूप से बचने के लिए कैप आप ले सकते हैं यहाँ पे आपको 150 to 250 रुपीज की रेंज में आपको यहाँ पे कैप्स मिल जाएंगे। काफी सारे कलर ऑप्शन भी यहाँ पे थे और मेरा जो मकसद था कि सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट लेन को एक्सप्लोर करूं, क्योंकि वहां पे ही गोल्ड का जो खजाना जो होता है वो वहां पे ही मिलता है। तो मैं पहुंच गई एक्सपोर्ट लेन, क्योंकि यहां पे ना बहुत अच्छा कलेक्शन रहता है। चलिए अब यहां पे देखते हैं क्या क्या कलेक्शन दिखता है। सबसे पहली मुझे जो ये शॉप मिली यहाँ पे थी, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जारा के बहुत सारे ड्यूप्स। यहाँ पे ना काफी सुंदर सुंदर से नियॉन ग्रीन कलर में बहुत ही सुंदर सुंदर सी ड्रेस आई हुई थी। ये वन पीस ड्रेसेस थी, बड़ी ही प्यारी लग रही थी और सारी जारा की ड्यूप्स थी एंड और भी बहुत सारे इनके पास कलेक्शन थे। इन ड्रेसेस के प्राइस की बात करें तो ये 800 से 1100 तक की रेंज में रहती हैं। थोड़ा बहुत भैया बार्गेन कर देते हैं, बहुत ज्यादा इन पे बार्गेन नहीं करते, मैं पहले आपको बता देती हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये सेट्स भी मिल जाएंगे, जो कि पैंट और ये शर्ट के साथ में होते हैं, कॉट सेट, ये भी आपको मिल जाएंगे। इनके प्राइस भैया ने 1200 बताए थे, बट ये आपको कम करके 1000 तक आराम से लगा देते हैं। इनमें अभी आपको काफी सारे कलर मिल जाएंगे, ये सॉलिड में ही होते हैं सारे, प्रिंट वाले नहीं थे, सॉलिड में ही 3 से 4 कलर इनमें अवेलेबल थे। इसके अलावा इनके यहाँ पे आपको काफी सारे टॉप्स का कलेक्शन मिल जाएगा, जो कि ट्रेंडी टॉप चल रहे होते हैं वो सारे टॉप्स का कलेक्शन मिल जाएगा। टॉप के प्राइस रहते हैं 350 to 500 के अराउंड रहते हैं, क्योंकि इनके पास ड्यूप्स होते जा रहा है तो ये लोग इनपे प्राइस जो है वो कम नहीं करते हैं। कुछ टॉप जो है वो 250-300 में मिल जाते हैं, जो कि शॉप के अंदर है। इसी शॉप के बाहर ना व्हाइट शर्ट का कलेक्शन था, 150 रुपीज में ये व्हाइट शर्ट मिल रही थी। इसमें काफी सारी शर्ट थी यार, इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी थी एंड बहुत सारे साइजेस थे, तो काफी सारे लोग यहाँ पे ले भी रहे थे, मैंने भी थोड़ा बहुत घुमाया इसको। इसी शॉप के अपोजिट में है साहिल गारमेंट, जो कि है बच्चों की शॉप। मैं बच्चों को कभी नहीं भूलती हूँ, बच्चों के लिए भी लेके चलती हूँ। यहाँ पे आपको बच्चों के कपड़ों का काफी अच्छा कलेक्शन मिलेगा। इसमें आपको टी शर्ट्स मिल जाएंगी और ये बच्चों के निकर्स मिल जाएंगे। शॉप के अंदर ना काफी सुंदर सुंदर फ्रॉक्स थी बच्चों के लिए, इनके प्राइस थोड़े से ज्यादा थे, मतलब 250-350-550 रुपीज में फ्रॉक थी। ये क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और बहुत सारे डिजाइन भी थे बच्चों के फ्रॉक में एंड बॉयज के लिए भी यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर से टी शर्ट पैंट सभी कुछ थे। इसके बाद मुझे जो नेक्स्ट शॉप मिली यहाँ पे ना 200 रुपीज में सेल थी शॉप के अंदर। इसमें काफी सारे टॉप थे और इसमें आपको सिफॉन के टॉप भी, कॉटन के टॉप भी, काफी सारे टॉप्स का कलेक्शन मिल जाएगा। शॉप के बाहर नई 50 रुपीज के टॉप की सेल लगी हुई थी, इसमें कुछ टॉप्स भी थे, शर्ट भी थी
और ये तो मतलब वो हाल है कि आपको कुछ अच्छा मिल जाए बाई चांस तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी बड़े हिडन जेम्स मिल जाते हैं। इन 50 रुपीज वाले स्टॉल्स थे तो आप इनमें भी देख सकते हैं। इसके बाद मुझे एक और ये शॉप मिली, शॉप नंबर था 192। यहाँ पे ना 200 रुपीज की सेल लगी थी टी शर्ट की। यहाँ पे आपको ओवरसाइज्ड, क्रॉप, सभी टाइप की टी शर्ट मिल जाएंगी केवल और केवल 200 रुपीज की। और इनमें जो टी शर्ट्स थी वो सारी ब्रांडेड टी शर्ट्स थी, जिनमें आपको काफी सारे ब्रांड्स के ड्यूप्स मिल जाएंगे। ड्यूप्स क्या, आई डोंट नो, ड्यूप्स से या सही थे। और इसमें काफ़ी सारी टी शर्ट थी, साइजेस सारे ही अवेलेबल थे, कलर एंड डिजाइन तो बहुत प्यारे थे, समर फ्रेंडली थी। मैंने भी एक कैट वाली टी शर्ट यहाँ से परचेज की थी। शॉप के बाहर लगा हुआ था 100 रुपीज का एक स्टॉल, जिसमें आपको टी शर्ट, शर्ट्स, मुझे शर्ट्स बहुत ज्यादा दिखी इसमें। और सच बताऊं तो मुझे इस वाले स्टॉल में कुछ भी पसंद नहीं आया, इसमें शर्ट्स बहुत ही, बट एक भी मुझे ढंग की नहीं दिखी। तो इससे भी काफी सारे स्टॉल मिलेंगे जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पसंद आएगा, कुछ पे तो इतना ज्यादा पसंद आएगा कि आपका मन करेगा मैं स्टॉल से सारी चीजें ले लूं। बट इस वाले स्टॉल पे लिटरली मुझे कुछ नहीं पसंद आया, क्योंकि इसमें शर्ट्स थी और जो कि सब पुरानी जैसी लग रही थी। इसी शॉप के बाहर ना कुर्ती और पैंट के भी सेट्स लगे हुए थे। इनकी प्राइस ना 350 रुपीज़ थे। इसमें आपको कुर्ती और पैंट दोनों का सेट मिल जाएंगे। ये भी सारे कॉटन के फैब्रिक में थे, इनमें भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल थे। यहीं पे मुझे आगे कि 200 रुपीज का एक और मुझे स्टॉल दिखा। यहाँ पे 200 रुपीज में कप्तान काइंड ऑफ ड्रेसेस थी। ये ड्रेसेस मुझे काफी अच्छी लगी, लेकिन ये इनका फैब्रिक जो था वो समर फ्रेंडली नहीं था, ये सिंथेटिक टाइप के फैब्रिक की थी। और इसमें कलर तो काफी सारे थे, डिजाइन भी काफी सारे थे, बट फैब्रिक इनका सिंथेटिक था। आगे चलने पे मुझे एक और शॉप दिखी। यहाँ पे ना 100 रुपीज की टी शर्ट की सेल थी, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पे ना 100 रुपीज में क्रॉप टी शर्ट्स भी थी एंड ओवर साइज भी थी, और बहुत ही ब्यूटीफुल टी शर्ट थी। मतलब मुझे इस वाले स्टॉल की सारी टी शर्ट बहुत ही अच्छी लग रही थी। और इसी वाली शॉप पे ना यहाँ पे पैंट्स भी मिल रहे थे। पैंट्स जो भैया है आपको 350 बताएंगे, बट आपको बार्गिन करके 250 दे देंगे, ऐसा भैया ने बोला है। यहाँ पे ये हाई वेस्ट पैंट थे, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे, कलर बहुत सारे थे इनके पास में। इन वाले पैंट्स में फॉर्मल आपको ब्लैक टाइप के पैंट्स में मिल जाएंगे, एंड बहुत सारे कलर में भी पैंट्स अवेलेबल थे। शॉप के बाहर ना एक भैया ने स्टॉल लगा रखा जिसमें बॉयज के लिए भी टी शर्ट्स थी, जो कि 200 रुपीज में थी और इसमें कॉलर वाली नहीं थी, एंड साइज जो है वो भी आपको स्मॉल टू मीडियम ही मिलेंगे। इसमें काफी सारी टी शर्ट थी जो कि आप जिम वेयर या डेली यूज के लिए गर्मियों में ले सकते हैं, सारी बॉयज के लिए टी शर्ट्स थी।
एक्सपोर्ट लेन में आपको 100 रुपीज में काफी सारे स्टॉल मिलेंगे, कुछ अच्छे कुछ एवरेज कुछ ऐसे ही। जैसे कि मुझे एक स्टॉल दिखा 100 रुपीज का और इसमें मुझे कुछ भी नहीं पसंद आया। ये 100 रुपीज का था, कुछ चीजें तो अच्छी लग रही थी, कुछ बिल्कुल ही बेकार लग रही थी। मतलब जैसे 50 वाला था उस टाइप का ही लग रहा था इसमें, और कुछ कुछ तो समझ में आ रहा था। आपको काफी सारी शॉप पे इस टाइप के 200 रुपीज के टॉप की सेल मिलेगी, जिसमें आपको साइजेस तो नहीं मिलेंगे बट कलर एंड डिजाइन बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि इनके एक एक ही पीस होते हैं, एक्सपोर्ट का कलेक्शन होता है सारा। ये 200 रुपीज की सेल में आपको काफी सारे टॉप्स मिलेंगे, साइजेस भी नहीं मिलेंगे। मैं पहले आपको बता दूं, तो जो भी आपका साइज मिल जाए तो आप ले लेना अच्छे से देख के। एंड यहाँ पे ड्रेसेस भी मिल जाएंगे, ड्रेसेस के प्राइस जो है 350 to 400 के अराउंड है, उनमें भी आपको साइजेस नहीं मिलेंगे, एक ही साइज मिलेगा। अगर आपको आ जाता है तो आप ले लो, एंड कलर भी एक ही मिलेगा। एक समर के लिए थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। और ये वाली शॉप जो थी वो इंडिया क्रिएशन के एकदम सामने थी। यहाँ पे टॉप का कलेक्शन मुझे अच्छा लगा, काफी सारे टॉप्स मुझे दिखे जो कि बड़े प्यारे प्यारे से थे, 200 के हिसाब से काफी अच्छे थे। और ये जॉर्जेट और शिफॉन मटेरियल के जो टॉप होते हैं, ये इनकी सबसे अच्छी चीज क्या रहती है कि इन्हें कितना भी धुलो कितना भी कुछ भी करो, बिना आयरन के भी पहन लो तो हमेशा न्यू जैसे लगते हैं। सरोजनी नगर में आ चुकी हैं इस टाइप की बहुत सारी स्कर्ट, जो कि गर्मियों में बहुत ज्यादा बिकती हुई दिखेंगी आपको मार्केट में। तो एक्सपोर्ट लेन में आपको 1 से 2 स्टॉल इस टाइप की स्कर्ट्स के भी मिल जाएंगे। यहाँ पे 200 रुपीज में ये स्कर्ट्स होती हैं, जो कि प्लीटेड लेयर्ड वाली स्कर्ट जो होती है केवल 200 रुपीज में मिलती है। आपको बहुत ही प्यारे प्यारे समर फ्रेंडली प्रिंट्स मिल जाएंगे इस टाइम पे। और यहीं पे PNB KTM के पास में ऐसे ऐसे कुछ स्टॉल लगे होते हैं जहाँ पे आपको टॉप्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एक ये वाइट कलर के टॉप्स का एंड शर्ट्स का स्टॉल था 150 रुपीज में। यहाँ पे सेल्स में कुछ टॉप थे कुछ शर्ट थे, इसमें भी काफी अच्छे कलेक्शन थे। यहीं PNB के अपोजिट में मॉडनी के पास में मुझे एक स्टॉल दिखा, यहाँ पे टी शर्ट थी 100 रुपीज की। गाइस ये टी शर्ट ने मेरा दिल जीत लिया, इस स्टॉल ने मेरा दिल जीत लिया। 100 रुपीज में इतनी प्यारी प्यारी टी शर्ट थी, देखिए ब्लैक कलर की टी शर्ट ओवर साइज थी और इसका फैब्रिक इतना अच्छा था, एकदम न्यू पीस था। कोई बोल नहीं सकता कि ये 100 रुपीज की टी शर्ट है, बहुत अच्छी टी शर्ट थी ये। इसमें जो ये ब्लैक वाली टी शर्ट थी इस पे कुछ मेरा दिल ज्यादा ही आ गया था, देख रहे हैं मैं छोड़ नहीं रही हूँ इसे, क्योंकि मैंने इसे परचेज ही कर लिया था। वैसे तो मैंने 5 से 6 टी शर्ट खरीदी थी मार्केट से, अगर बोलेंगे तो एक शॉर्ट वीडियो जरूर अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए कि कैसा मुझे टी शर्ट मिले। बाकी और देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी मिक्की माउस वाली, यानी ग्रे कलर वाली, और जहाँ पे ये स्टॉल लगा हुआ था उसी की शॉप भी थी। शॉप के अंदर ना 200 रुपीज में टी शर्ट का कलेक्शन था, बहुत प्यारी प्यारी टी शर्ट थी व्हाइट कलर में, तो सच में बहुत प्यारी प्यारी टी शर्ट थी 200 रुपीज में। इनकी क्वालिटी थोड़ी और बेटर थी बाहर वालों से, पर बाहर वाली भी यार 100 रुपीज में कोई बेकार नहीं थी, बहुत अच्छी थी। बट 200 रुपीज में जो अंदर थी उनकी क्वालिटी भी सच में बहुत ही अच्छी, इतनी प्यारी लग रही है ना ये टॉम एंड जेरी वाली रेड कलर की टी शर्ट, बड़ी ही प्यारी लग रही है, केवल 200 रुपीज की थी। और ये सारी फ्रेश टी शर्ट थी, इनमें सभी में साइजेस भी थे, ओवर साइज भी थे इनके पास में, एंड क्रॉप वाली टी शर्ट में भी बहुत सुंदर सुंदर सा कलेक्शन था इनके पास में। और ये मिक्की वाली टी शर्ट तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, सारी ही क्रॉप टी शर्ट थी बट मिक्की वाली थी, इसमें एक में पूरे में मिक्की माउस बने थे, पीछे जो व्हाइट कलर थी उसमें सिर्फ एक एक सिंगल सिंगल मिक्की माउस बने थे, और ये बड़ी ही प्यारी लग रही थी, ये डिज्नी की टी शर्ट थी। और सारी ही शॉप के अंदर जो भी टी शर्ट मैंने आपको दिखाई वो सारी ही ब्रांडेड टी शर्ट थी किसी ना किसी ब्रांड से। और
इसी शॉप के बाहर ना 150 रुपीज में ऑल टोटल व्हाइट कलर की टी शर्ट का कलेक्शन था। सभी टी शर्ट मतलब एक जैसी डिजाइन सेम थी और व्हाइट कलर में सारा कलेक्शन था और बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये भी समर के लिए मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इनमें भी साइजेस बहुत सारे थे। और अभी आगे चलने पे इनसेंस के सामने ना आपको ये बैग वाले शॉप दिखती है, जहाँ पे काफी अच्छा बैग का कलेक्शन रहता है, जहाँ पे जूट बैग एंड काफी सारे जो बोहो बैग जो होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो इन्होंने बाहर ना सेल लगा रखी थी 100 रुपीज की बैग की। इसमें आपको ये कपड़े वाले बैग जो होते हैं झोले टाइप के, उस टाइप के बैग एंड और भी काफी वेरायटी वाले बैग जो थे वो 100 रुपीज की सेल में दे रहे थे। एक्सपोर्ट लेन से होते हुए बाहर में आती हूँ बिक्सी लेन में आ गई, क्योंकि बिक्सी लेन में भी काफी अच्छा कलेक्शन मिल जाता है वेस्टर्न वियर का। एंड मैं अभी आगे और वीडियो में आपको ना एथेनिक वियर का भी कलेक्शन दिखाऊंगी। अभी आप देखिए अभी समर वाला जो कलेक्शन आया हुआ है मार्केट में वो बिक्सी के सामने है। ये टी शर्ट की शॉप चूंकि भैया आज से नहीं 3-4 सालों से लगा रहे हैं, मैं हमेशा इनका कलेक्शन दिखाती हूँ। ये ब्रांडेड टी शर्ट्स रखते हैं बॉयज की। इनके पास में वैन हुसैन, यूएस पोलो एंड मोंटो कार्लो एंड बहुत सारे ब्रांड्स, सारे ही साइजेस मिल जाते हैं इनके पास में। ये एकदम बिक्सी के सामने है। चलने पे बिक्सी के बिल्कुल मतलब बाजू में लगी हुई ये बैग वाली शॉप है। यहाँ पे ना बहुत सुंदर बैग का कलेक्शन मिलता है। बाहर जो आपको ये बैग्स दिख रहे हैं, जो कि कोजी है, सॉफ्ट वाले फैब्रिक के थे, ये 350 रुपीज में थे ये। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे रैबिट जैसा था कलरफुल, वो भी 350 रुपीज का था। बाकी जो ये बच्चों के बैग देख रहे हैं ना, ये 400-550 रुपीज की रेंज में थे। इन पे भैया ना थोड़ा बहुत बार्गेन भी कर देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। बाकी शॉप के अंदर जो भी बैग आप देख रहे हैं यहाँ पे 350 रुपीज से स्टार्टिंग है। एंड जो आपको 100 केस में बैग देख रहे हैं वो 1000-1500 रुपए की रेंज में रहते हैं। इन पे आप थोड़ा बहुत तो आपको बार्गेन भी कर देते हैं, सबके अलग अलग प्राइसेस रहते हैं। 350 रुपीज में भी काफी सारे स्लिंग बैग आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ ये ब्लैक वाला एंड ये पीच कलर वाला। में भी इनके पास में काफी सुंदर सुंदर बैग थे एंड ये हैंड बैग और ये आप देख रहे हैं क्रिस्टन डियोर, जेल बी, इन सबके भी ड्यूप्स इनके पास में थे। बिक्सी के सामने जहाँ पे टी शर्ट लगी हुई थी वहीं पे ये बेल्ट्स लगी हुई थी। अगर इनके प्राइस की बात करें तो पतली वाली बेल्ट जो होती है नॉर्मल वो 100 रुपीज में मिल जाती है एंड ये ब्रॉड वाली बेल्ट जो आप देख रहे हैं ये 200-250 रुपीज की रेंज में मिल जाती है। और इस टाइप की बेल्ट ना काफी सुंदर लगती है किसी भी सिंपल सी ड्रेस को एक अच्छा सा लुक देने के लिए। आप कोई भी सिंपल सी ड्रेस पहन लीजिए वन पीस, उसके साथ में जब इस टाइप के बेल्ट लगाते हैं तो बहुत ही प्यारा सा लुक आता है। शॉप नंबर 71 के बाहर ना ये सिल्वर ज्वेलरी का आपको कलेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिलेगी। इयररिंग्स की बात करूँ तो ये इयररिंग्स थोड़े हैवी क्वालिटी के रहते हैं, तो ये 100-200 रुपीज की रेंज में पड़ते हैं। नेकलेसेस जो आप देख रहे हैं वो भी 100-250 रुपीज की रेंज में पड़ेंगे। भैया थोड़ा बहुत बार्गेन भी कर देते हैं। यहाँ पे डिजाइन आपको बहुत ही प्यारे प्यारे मिल जाएंगे।
300 रुपीज की सेल में यहाँ पे मुझे कुर्तीज भी दिखी, जहाँ पे कॉटन की कुर्ती थी जिसमें ना मशीन चिकनकारी वर्क हो रखा था। कुछ कुर्तियां जो थी वैसी भी एम्ब्रॉयडर्ड वाली थी, कुर्तियां 300 रुपीज की रेंज में थी। ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ, इसका पार्ट टू भी आएगा। इसमें मैं और भी लेन मैंने जो एक्सप्लोर की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें और भी आपको ब्रांडेड कलेक्शन, ट्रेंडी कलेक्शन एंड बहुत ही प्यारा सा 100 रुपए 50 रुपए वाला कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो जल्दी से कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अभी तक नहीं किया है तो। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना, शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। में फिर मिलती हूँ और न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।